हाय स्टूडेंट, ए भिडियो आम फंक्शन रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन इनवर्स केमिति कैलकुलेट हुए फंक्शन रो सेठी किसी क्वेश्चन अछि, आउ नंबर ऑफ फंक्शन केमिति पॉसिबल, बहुत भलो क्वेश्चन अछि, निश्चय देखिबो लास्ट पर्यंत कंप्लीटली। ठीक अछि, फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम रिलेशन नंबर टू रिलेशन नंबर आर टू आर, गिवन अछि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, देन एफ इनवर्स इज गिवन बाय। तो इनवर्स कैलकुलेट कला बेले क्वेश्चन देखो प्रोसेस तुमको आसीजिवो, आमे कौन जानचे ना एफ ऑफ एक्स टा कौन, आम एफ ऑफ एक्स को वाई बोली नोटेट करूचे, बुझे ना एफ ऑफ एक्स गिवन अच्छे ना, आम तो वाई बोली कहूँ एफ ऑफ एक्स एक्स को। तो ये आम एपर एक्सटा कौन आस प्लेस आम एपर कि यहाँ एफ इनवर्स वाई बोली बुझे कि नहीं। तो ये सैड लिखिली, एबे हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री देजी, तो मुझे डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स जगह वाई पुट कली इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो क्वेश्चन जहाँ भी गिवेन थी और यही लाइन टाइम लिखिली, ये सामान कथा ठीक अच्छे। देन तुम्हें ट्राए कर फंक्शन को, एबे देखो वाई अच्छी इन टर्म्स ऑफ एक्स, मैंने वाई गोटे फंक्शन एक्स टर्म आकार ट्राए करमती रिअरेंज कर ताकि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखिहब। कहवा कथा हो कि मुझे एक्स कैलकुलेट करी मानकर, तो मुझे कौन लिखी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस थ्री हम कि नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस थ्री मत कि एक्स दरकार, तो मुझे डायरेक्ट कहीपरि कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री स्क्वायर उठे पार मत या दरकार थिला। क्लियर, कंप्लीटली वेरिएबल सेपर वेरिएबल सेपरेशन हो गला, एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री रूट ओवर। अच्छा, मोर एक्सटा कौन, एक्सटा हो सब एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो ये पुट कली एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल कौन आसला वाई प्लस रूट थ्री। क्लियर, देख एफ इनवर्सटा ये वाई अच्छी वेरिएबल, ये वाई अच्छी, ये जी जेड हो ये भी जेड हो, ये पी हो गले ये भी पी हो, आदि ये एक्स हो जाए ये भी कौन हो एक्स प्लस थ्री रूट ओवर, दिस इज योर इनवर्स। ऑप्शन ए रे मैच करूँगी, वाई प्लस थ्री रूट ओवर इज सेम एज एक्स प्लस थ्री रूट ओवर, पचार एफ इनवर्स इज गिवन बाय, ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि से क्वेश्चन बुझी ए क्वेश्चन फास्ट निजे ट्राए कर, वीडियो को पॉज कर निजे ट्राए कर, ना आंसर देख। एठी भी गिवेन अच्छी एफ एक्स दिखाई, तो मोर पाखे तो डाटा अच्छी वाई, ताको सब्स्टिट्यूट करी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो मुझे पुट कली वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री, सो आई कैन राइट इजिली एक्स क्यू इक्वल टू वाई माइनस थ्री, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री होल वन बाई थ्री हम कि नहीं कहीहब। अच्छा, एक्स जगह कौन पुट करी एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस थ्री वन बाई थ्री, तब आसीगला तुमको एनसर जना पड़ो तो कौन हाँ, तब जब चाहू ए सब्स्टिट्यूट करके आपको भी लिखीद एक्स माइनस थ्री वन बै थ्री, तो एक्स माइनस थ्री वन बै थ्री ऑप्शन सी रे अच्छी। यही सब क्वेश्चन हम बीएड लेवल क्वेश्चन यही आसो, तुम्हें इनवर्स बहुत इजिली कैलकुलेट कर पार। क्लियर, बुझेगा किसी असुविधा नहीं, वाई थी एक्स टर्म रे, एक्स को लिखिली वाई टर्म रे, ऑप्शन को मैच कर जो आंसर से। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कही कि फंक्शन टा मैपिंग कौटू ना क्लोज ब्रैकेट टू टू इनफिनिटी टू एक्स बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देन एफ इज इनवर्टिबल इफ एक्स कौन होलरेडी से कही फंक्शन टा इनवर्टिबल मैंने इनवर्स तार पॉसिबल, सेत एक्स कंडीशन कौन एक्स कौन भर लाइज कर कहीं आमको ये टू टू इनफिनिटी टू एक्स देना से एक्सटा डिफाइन है ना, तो देख ये क्वेश्चन में इनवर्टिबल दे तुमको फास्ट इनवर्स कैलकुलेट कर दियो, मुझे पुट कर पारि कि वाई इक्वाल टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, किसी असुविधा नहीं फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज मत एक्स कैलकुलेट करार था हाँ कि नहीं, तो यही जगह कौन हम आमको ना
आमको यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाई। तो सपोज ये मुझे लिख ली कि वाई सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स माइनस वाई। वेट ये जगह रे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, सेपरेशन तो सिंपली डायरेक्टली करी हो ना। अच्छा अब एमित लिखा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस वाई, किसी असुविधा नहीं थे, माइनस मल्टीप्लाई करी तो साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ हूँ एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटु एक्स, हाँ कि नहीं। तो ये कैसे लिखी है फोर एक्स हो टू लिखले हो तो प्लस टू रक्वयर, कि असुविधा अच्छे कि प्लस टू रक्वयर मुझे निजे मन को लिखी तो से बोथ साइड एड करी ये भी टू रक्वयर एड कली। एबे देखो भल कि लेफ्ट साइडा होगा एक्स माइनस टू रोल स्क्वायर आ रईट सैड है माइनस वाई प्लस फोर है बाक लिखिपर डायरेक्टली फोर माइनस वाई माइंड रखी आम कौन कैलकुलेट करने क्या कही एक्स माइनस टू होल स्क्वायर टाइम पाक आसे के फोर माइनस वाई ये एक्स माइनस टू कौन हम ना फोर माइनस वाई रुट ओवर हम आम कौन कैलकुलेट करवा एक्स कही तो फोर माइनस वाई रुट ओवर प्लस टू ये प्लस टूटा रुट ओवर भितर नुहे बुझे ना मत एक्स इन टर्म्स अफ वाई कैलकुलेट कर टी टिपिकल थिला कि तो टिपिकल क्वेश्चन करो ताकि तुम बेटर बुझीपार। तो आम कौन पाइले एक्स इक्वाल टू बुझे कि असुविधा नहीं तो एक्स इक्वाल टू फोर माइनस वाई रुट ओवर प्लस टू तो एक्स जगह पुट करी के एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वाल टू होगा फोर माइनस वाई रुट ओवर प्लस टू एबे एफ इनवर्स एक्स कर दियो एटा केते हिजिवो फोर माइनस एक्स प्लस टू एथे किछ असुविधा नाही वाई को मु एक्स लिखि देले एबे एबे कहै छी कि एक्स पई कंडीशन कोन एक्स पई कंडीशन कोन एठी सिंपली मीनिंग हो छी कि एक्स पई कंडीशन अर्थ हो छी तमे एठी डोमेन कैलकुलेट कर दियो फोर माइनस एक्स रूट ओवर अछि डोमेन कोन आसीबो तो समस्ते इजीली जानि छै एटा डोमेन केमिति कैलकुलेशन होए परे डोमेन भिडियो मु कहितली रूट ओवर अछि ना फोर माइनस एक्स should be greater than equal to 0 that is 4 should be greater than equal to x or x less than equal to 4 tar kon ho answer now 4 to infinity x pai condition bo jaitla x kon asibo sabule x asibo 4 to infinity 4 close asibo yes or infinity emi likhi deli yeah 4 to infinity option d re achi match bhi hochi 4 to infinity क्वेश्चन को लास्ट पर्यंत स्टिक कर सॉल्व कर तुम जो कनसेप्ट शिखीछ से ही बेस्ट कनसेप्ट आईटा ही ठीक कनसेप्ट से ही सॉल्व हम बुझे बुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अच्छी जी ऑफ एक्स टू टू द पावर एक्स अच्छी देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन फॉग एक्स इक्वल टू गफ एक्स अच्छी तार कही कि सल्यूसन सेट मैंने एक्स भैल्यू कैलकुलेट कर सब बहुत भल क्वेश्चन ये क्वेश्चन प्राक्ट करा जरूरी एक्जाम भी फग आउ गफ इक्वाल दे दीजिए ना फास्ट मोर काम हो एफ ओफ देख ये समस्त कनसेप्ट कंपोजिट फंक्शन भी आसला फग एक्स मैं लिखी ना मैं लिखिपरि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फिड में कही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वेरी गुड इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्सटा कौन अच्छे आम पाखे टू टू द पावर एक्स बोले बुझे कि नहीं किसी कौन ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मैंने एफ ब्रैकेट देखी जी ऑफ एक्स लिखी जी ऑफ एक्स जगह टू टू द पावर एक्स पुट कली आम एफ ऑफ एक्स के गिवन अच्छी देख टे आमको एफ ऑफ एक्स गिवन अच्छी भल कि देख एक्स स्क्वायर जदि एफ ऑफ जेड होता जेड स्क्वायर एफ ऑफ पी है पी स्क्वायर आमर एफ ऑफ कौन अच्छी टू टू द पावर एक्स ताले कौन लिखी टू टू द पावर एक्स रो स्क्वायर मीन्स एटा को लिखी हम इक्वल डायरेक्टली
टू टू दि पावर एक्स होल स्क्वायर लिखे कि नहीं रे लिख कहीं बुझेगा तो आम लिखा आम आस एफ अफ टू 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 दि पावर एक्सटा हो पाखे केक्वाल टू 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 दि पावर एक्स होल स्क्वायर तो कौन लिखे टू टू दि पावर टू एक्स ताले फॉग ऑफ एक्स आम पाखे आसला के टू टू दि पावर एक्स क्लियर टू टू दि पावर टू एक्स आसला एवं आम आसवा क्या पाक सिमिलरली सॉरी टू टू दि पावर एक्स एवं हूँ कि आम पाखे जी ऑफ गफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स केते होची एक्स स्क्वायर तो सिमिलरली मुझे लिखिपरि क्या देखो जी ऑफ एक्सटा हूँ टू टू दि पावर एक्स तो जी ऑफ पीटा हम टू टू दि पावर पी कह कथा कि ये जहाँ अच्छे ये जहाँ अच्छे बुझे ना ये भितर जहाँ भी थी जी टू दि पावर जेडटा टू टू दि पावर जेड से भाई जी टू दि पावर एक्स स्क्वायरटा कौन हम तेल टू टू दि पावर एक्स स्क्वायर क्लीअर बस ये बुझी फॉग ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जिते लेंथ था हो तो आसला टू टू दि पावर एक्स स्क्वायर कौन आसला आम पाखे यहाँ आसला टू टू दि पावर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन देख कौन कही फॉग एक्स इक्वल टू गफ एक्स मीन्स टू टू दि पावर टू एक्स इक्वल टू 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 दि पावर एक्स स्क्वायर क्लियर बेस इक्वल अच्छे ना मुझे एक्सपोनेंट को मैंने पावर को इक्वल करी ताकू मुझे लिखिपरि कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो सल्यूशन सेट पचार तो एक्स कमन ना एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स वैल्यू जीरो आस एक्स वैल्यू टू आस राइट आंसर जीरो एंड टू ऑप्शन सी बहुत भल क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन भी लगी सल्यूशन भी आसला क्वेश्चन रू भागिले तो हमारे ना क्वेश्चन को तो मुझे लास्ट पर्यटन सल्व करार अच्छे कौन थी क्वेश्चन फॉग गॉप कैलकुलेट कर इक्वेट कर इक्वेशन गोटे आसो सॉल्व कर क्लियर नेक्स्ट एवं तो क्वेश्चन इजी लगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव अच्छी एफ इनवर्स एक्स पचार तो डायरेक्टली वाई इक्वल टू कौन लिख थ्री एक्स माइनस फाइव दैट इम्प्लाइज वाई प्लस फाइव इक्वल टू थ्री एक्स दैट इम्प्लाइज वाई प्लस फाइव बाय थ्री इक्वल टू एक्स दिस इज योर इनवर्स ठीक अच्छे बस आपको सजे लिखा था ना एक्स को कौन लिख तुम कही पीटा तुम प्राक्ट जब प्राक्ट हो तुम्हें जापर ये रईट्स यही आंसर तुम एफ इनवर्स वाईटा के वाई प्लस फाइव बै थ्री तापर कौन कही वाई जगह पुणी एक्स कर दियो एटा कौन हो एक्स प्लस फाइव बै थ्री अच्छे एक्स प्लस फाइव बै थ्री ऑप्शन बी रे अच्छे करेक्ट आंसर इनवर्स आसने क्वेश्चन ये आसो मुझे क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सेट ए कंटेन्स फाइव एलिमेंट्स है ना सपोज ए सेट्रे अच्छे फाइव एलिमेंट लाइक वन टू थ्री फोर फाइव एग्जांपल पे नहीं गली बी सेट कंटेन्स सिक्स एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ है द नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू और वन वन एंड ऑन टू को हमें डायरेक्टली कहते बाइजेक्टिव ए तो मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन ये कतोटी हम यह पचार क्लियर वन वन एंड ऑन टू ऑप्शन दीजिए सेवेन ट्वेंटी वन ट्वेंटी जीरो नन अफ दीजिए चलो देख जो तुमको बाइजेक्टिव चेक कर मीन से तो वन वन होन टू हो देखो फास्ट कथा जब तुम एमती आटाच कर भी दौ सपोज राइट साइड गोटे एलिमेंट रही गला ना आ राइट साइड एलिमेंट जब लेफ्ट आउट रोचान मोर फंक्शन भर मुझे क्लीअरली कही ऑन टू हम ना हाँ कि नहीं तो बिल्कुल तो ऑन टू ही हम ना सैटिस्फाई करना तो पचार नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन मन रखी था जो तुमको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पचार से बड़े नंबर ऑफ ए से एट एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट एलिमेंट इक्वल भी हो पारती
आउ किंतु लेस हबो सॉरी सॉरी नंबर ऑफ ए सेट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट एलिमेंट हला तो ये तो सेमती है ना ये कौन है नंबर ऑफ ए सेट एलिमेंट कम अच्छा पांचटी अच्छा छटी अच्छा तो ये केस आंसर है जीरो आंसर कौन आसो जीरो यही कंडीशन पर क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बुझेगा तो यहाँ किसी असुविधा ना ये कहीं ना ये एफ एलिमेंट रही जाऊँ ना तो ये तो अंटू हम ना जब अंटू हूँ तो से बाइजेक्टिव हम ना तेनाली जीरो हम जमी कले भी ये गोटे एलिमेंट सब लेफ्ट आउट हो ठीक अच्छे तुम्हें जब कह कि ना आम ये करें ये फोर को डबल अटैच करदे सपोज फोर को डबल अटैच करदे यहाँ कौन हम ना ये केस वन वन ही हम ना ये मेनी वन हो गला क्लियर तो से जीरो आसो आंसर ये कंडीशन को मन रखीद बाइजेक्टिव वाले चेक कर पारे ओके नेक्स्ट इफ द सेट ए कंटेन्स सेवेन एलिमेंट्स सेट ए रे सेवेन एलिमेंट्स अच्छा सेट बी रे टेन एलिमेंट्स अच्छा कही नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्लियर ए सेट रे सेवेन एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ ए सेट एलिमेंट सेवेन्स नंबर ऑफ बी सेट एलिमेंट्स टेन समस्त फर्मुला मन थी वन वन फंक्शन फर्मुला कौन थी ना फर्मुला नंबर ऑफ ए सेट रे सपोज एम एन एलिमेंट अच्छा नंबर ऑफ बी सेट रे सपोज एन एलिमेंट अच्छा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कौन हम ना एन परमुटेशन एम यह कहला क्लियर आईटी कही कि एनटा सब ग्रेटर हो स्मल एन हम ना यह कहला कंडीशन बुझे चलो ये कौन हम तुम तरह लिख परमुटेशन तुम लिख टेन परमुटेशन सेवेन तो देखिए ये ऑप्शन तो मैच होना ये तो सब कम्बिनेसन लिखाई सी लिखाई ना कम्बिनेसन तुम ऑप्शन ए को क्लिक कर भूल हो कहीं देख परमुटेशन टेन परमुटेशन सेवेन अर्थ हो टेन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टेन माइनस सेवेन थ्री फैक्टोरियल क्लियर एटा सरला नेक्स्ट हूँ कि बी ऑप्शन पाक आस टेन कॉम्बिनेशन सेवेन लिखाई इंटू गोटे सेवेन फैक्टोरियल लिखाई ये मीनिंग कौन देख कॉम्बिनेशन मीनिंग हूँ टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवेन फैक्टोरियल टेन माइनस सेवेन थ्री फैक्टोरियल ये हूँ फरक क्या क्या भितर कह परमुटेशन कॉम्बिनेशन रे परमुटेशन रे कौन हुए मुझे लास्ट फर्मुला कहीदेवि यार कैलकुलेशन सरी जाऊ तो ये कौन हम टेन फैक्टोरियल बाय सेवेन देन माइनस ऊपर कितना होता है टेन बाय ओनली माइनस ये कि इंटू पुणी कौन अच्छी सेवेन फैक्टोरियल ना तो सेवेन फैक्टोरियल से कैनसल हो तो यहाँ हम आंसर आईटा ये मैच हो कि ना जब ऑप्शन रे टेन परमुटेशन सेवेन था राइट आंसर ही था ना तो सेकेंड ऑप्शन पाक आस टेन कॉम्बिनेशन सेवेन इंटू सेवेन फैक्टोरियल सेम एज टेन परमुटेशन सेवेन ये ऑप्शन बी को क्लिक कर ठीक हम है क्वेश्चन तुम जब सल्व न कर एग्जाम तुमको मे डिफिकल्ट हो पाए मुझे नहीं आसली मुझे तुमको फर्मुला कहीदे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कौन हुए परमुटेशन रे एन पी आर फर्मुला हूँ एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल ओनली और कॉम्बिनेशन रे एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल एवं से वैल्यू को पुट कर सैटिस्फाई कर मैच हो ना आते नंबर ऑफ वन वन फंक्शन से कौन हुए बी सेट रो एलिमेंट परमुटेशन ए सेट रो एलिमेंट परमुटेशन हुए कि परमुटेशन ऑप्शन मैच हो ना कि कॉम्बिनेशन आकार देता से मैच कर बी ऑप्शन को कितना फर्मुला तो हूँ यहाँ एन पी आर एन पी एन जहाँ भी यहाँ हूँ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन भल कि देखिए जीव क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट वन टू एन सॉरी ए सेट रे एलिमेंट हूँ वन टू थ्री अप टू एन पर्यंत आ बी सेट रे ए बी नंबर ऑफ एटा सब्जेक्शन सब्जेक्शन लगे सब्जेक्शन मीन्स जो सब्जेक्टिव कहते
अंटू कहते अंटू फंक्शन जरा कहते नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए इनटू बी कौन हम ए सेट्रे ए सेट्रे सॉरी एमती करद वन टू अप टू एन जाए अच्छा बी सेट्रे ए ए सेट्रे वन टू एन एलिमेंट अच्छा बी सेट्रे ए बी एलिमेंट पचार नंबर ऑफ अंटू फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन पचार तो सब्जेक्टिव मीन्स राइट साइड रे किसी भी एलिमेंट लेफ्ट आउट हे ना हाँ कि ना राइट साइड रे किसी भी एलिमेंट लेफ्ट आउट हे ना मैंने को डोमेन सेट टू देख ये क्वेश्चन केमी आम करवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे नंबर ऑफ सब्जेक्शन पचार तो फास्ट को नंबर ऑफ फंक्शन ये कत ए सेट्रे एल एन टी एलिमेंट बी सेट्रे दुईट एलिमेंट नंबर ऑफ फंक्शन हम ना टू टू दि पावर एन टा क्लीयर ये समस्त हाँ कि ना बी सेट एलिमेंट टू दि एक्सपोनेंट ऑफ ए से नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स तो टू टू दि पावर एन नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितना पचार गोटे कथा देखो ये आम नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करे मैंने टू टू दि पावर एन टी से आपको भी काउंट करे ना ये भाई किसी फंक्शन काउंट करें कि ना जितकी भी एलिमेंट थे समस्त काउंट कर देख लेफ्ट साइड समस्त इमेज जाइए थी ना सीटा फंक्शन ही हम ना ताको काउंट कर केस्रे बी सेटा लेफ्ट आउट हो ना तो यही फंक्शन टा सब्जेक्टिव है कि ना तो गोटे केस आम देखिले जोटा कि सब्जेक्टिव हो ना गोटे केस आम देखिले यहाँ गोटे सब्जेक्टिव हो ना क्लियर अच्छा तापर जीवा आम कौन देखिले गोटे केस सब्जेक्टिव है ना आ गोटे केस चिंता करवा एमती गोटे केस ही ना तो ये भी ए सेट लेफ्ट आउट है तो एटा गोटे भी केस जिते बड़े ये सब्जेक्टिव हो नो तो टोटल केतरा केस सब्जेक्टिव होना दुईटा केस आउ सब चिंता करो सबुटा फंक्शन होते केतरा फंक्शन टू टू दि पावर एन है सब्जेक्टिव हो नए केतरा दुईटा तेल होतरा ना टू टू दि पावर एन माइनस टूटा ऑप्शन बी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्ले क्लियर लास्ट क्वेश्चन ये भिडियो तापरे मत लगुच तुम डाउट क्लियर होदी किसी थी मत कमेंट करियो ओके देखो लास्ट क्वेश्चन देखो फंक्शन इक्वल टू एक्स क्यू बी फंक्शन विथ डोमेन 0 1 2 3 तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स पचार देखो फंक्शन डोमेन दे 0 1 2 3 फंक्शन कौन दे एक्स क्यू ए ना फंक्शन कौन दे एक्स क्यूब तो जीरो क्यूब कौन हम 0 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 3 क्यूब 27 है फंक्शन फंक्शन कौन आसा मुझे फंक्शन को एमती रिप्रेजेंट कर 0, 0 1, 1 2, 8 3, 27 इनवर्स पचार तो उल्टे दियो मीन्स 0, 0 1, 1 8, 2 27, 3 क्लियर तापर कही कि इनवर्स क्वेश्चन कौन था डोमेन ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एटा एफ एटा एफ इनवर्स तो यार डोमेन किए 0 1 8 27 0 1 8 27 ऑप्शन सी रे क्लियर क्लियर थैंक यू